अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद बिलाल और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसराइल अब जंग बंदी के बाद फ़लस्तीन के साथ अब क्या करने वाला है, क्या घिनौना काम करने वाला है, ये सब अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, आप इंटरनेशनल अखबार को देख लें, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं ना इंटरनेशनल मीडिया के, उनको देख लें, वो सिर्फ वो मुनाफ़क़त झूठ से भरे पड़े हैं। वो आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल तो अपना दिफा कर रहा है। इसराइल अपना दिफा किन के खिलाफ कर रही? फ़लस्तीनियों के खिलाफ, जो हाथ में पत्थर उठाकर इसराइली जंगी तैयारों का मुकाबला कर रहे हैं, जो उन पर बम बरसाते हैं आकर। इसराइल किन के खिलाफ दिफा कर रहा है अपना? फ़लस्तीनियों के खिलाफ, जो हाथ में पत्थर उठाकर इसराइली टैंकों का मुकाबला करते हैं, जो बारूद बरसाते हैं उन पर आकर। इसराइल किन के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं? फ़लस्तीनियों के खिलाफ, जिनकी मशीन हाथ में, जो हाथ में पत्थर उठाकर इसराइली मशीन गनों का मुकाबला कर रहे हैं, जो गोलियां बरसाते हैं उनके सीनों पर आकर। ये इंटरनेशनल मीडिया एक तरफ, लेकिन अब मुसलमान ममालिक देख लें। इस वक्त किसी भी इस्लामी मुल्क का ट्विटर अकाउंट चेक कर लें, आपको इसराइल की के खिलाफ मजम्मत और फ़लस्तीनियों के हक में बरे पड़े नजर आएंगे उनके ट्विटर अकाउंट। फ़लस्तीन इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक, अफगानिस्तान से लेकर बुरुनाई तक, जितने भी मुसलमान ममालक हैं उनके लोगों को, हर मुसलमान के दिल में मस्जिद अक्सा का और फ़लस्तीनियों का दुख है कि उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। लेकिन अब मुसलमान ममालक के जितने भी सरबराहान हैं, जितने भी उनके लीडरान हैं मुसलमान ममालक के, वो बगैरती की भंग पीकर सोए पड़े हैं। इन मुसलमान ममालक के लीडरान से जितनी मर्जी तकरीरें करा लो, जितने मर्जी जो मर्जी करवा लो, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहा होगा पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि 73 साल से पिछले पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी उन पर जुल्म हो रहा है, फिर भी उन पर जो कफार उन पर जुल्म कर रहे हैं। अब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए मिली नगमे गा सकता है, या फिर ज़्यादा जुल्म हो तो उनके लिए एक मिनट की जुमे वाले दिन खामोशी इख्तियार कर सकता है। इसके लिए वे उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा ही कुछ जुल्म हो तो एक आध ट्वीट कर देते हैं, सिर्फ ये कुछ कर सकता है पाकिस्तान कश्मीर के लिए, और ये कुछ करेगा हमारे लिए। फ़लस्तीन अब पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे होंगे। इसराइल की आबादी तकरीबन 90 लाख के करीब है, सिर्फ 90 लाख यहूदियों ने 200 करोड़ के करीब मुसलमानों को नथ डाली हुई है। रोज 76 मारता है वो मुसलमानों को, यहूदी, वो अमरीका हो चाहे इसराइल हो चाहे इंडिया हो, वो मुसलमानों के सारे 76 मारते हैं। क्यों 76 मारते हैं? क्योंकि मुसलमानों में अब गैरत नहीं रही। अब इसराइल क्या करेगा मुसलमानों के साथ, इस फ़लस्तीन के साथ? उसने इंटरनेशनल मीडिया के प्रेशर में आकर, इंटरनेशनल लोगों के ममालक के नज़र में आ गया था, तो उसने जंगबंदी करनी पड़ी उसे। अब जैसे ही ये काम थोड़ा ठंडा पड़ेगा, वह दोबारा मुसलमानों को इससे भी ज़्यादा 76 मारेगा फ़लस्तीनियों को, और साथ में जो दूसरे ईरान इराक है इनके भी 76 मारेगा, क्योंकि इनमें इतनी गैरत नहीं है मुसलमानों में कि उनका यहूदियों को मार सकें। सिर्फ चंद लाख यहूदी हैं और 200 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, तो इनको फिर भी गैरत नहीं आती। अब इनको एक होने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।